की शादी जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे सिद्धार्थ नगर स्पेशली, और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर ला अभी अभी तुरंत आए, हम लोग रेडी भी हो गए हैं। और इसके बाद सबसे पहले बताना आपको कमेंट करके मैं कैसी लगी हूँ, एक नंबर बताए। और अभी सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बस ये रेडी होने जा रहे हैं, और दूल्हा भी सज गया है, बाहर दूल्हा सजने जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या होने जा रहा है, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी शादी देखिएगा, ब्लॉग एंड तक मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर बाहर चल के दिखाती हूँ जब तक ये लोग रेडी होते हैं। बैंड बाजा आ गया है, दूल्हा हमारा रेडी होने जा रहा है, यानी दूल्हे के तैयार होने की रस्में शुरू होने जा रही हैं कि जीजा लोग अपने साले को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जीजा लोग रेडी हैं, दूल्हा रेडी है, और यहाँ उसकी ड्रेस भी रेडी है। तो यहाँ पे विशाल इतना खुश है, इतने खुश है हमारे दूल्हे राजा कि हमें लग रहा है कि दुल्हन से ज़्यादा तो दूल्हे को ही खुशी होगी कि आज उसकी दुल्हन आने वाली है। तो यहाँ पे जीजा लोग यानी मेरे देवर जी और विशाल के बड़े जीजा दोनों लोग मिलकर रेडी करवा रहे हैं, और अभी पूरी बहुत ही मज़ा आ रहा है। बैंड बाजे की वजह से मैं पूरा डाल नहीं सकती म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा लाउड भी था, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर करना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा हमारी खुशी खुशी से तैयार हो रहे हैं, एंड यहाँ पे इनके 2 से 3 जीजा हो गए, तो मेरे हस्बैंड भी आके थोड़ा सा टचअप देने लगे विशाल को। तो फाइनली हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो एकदम से सज धज के रेडी हैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए। तो यहाँ पे ना विशाल की दूल्हा तैयार होने के बाद बलाइयाँ ली जा रही हैं, नज़र उतारे जा रहे हैं, और संजना भी आई, भाई आज बड़ी बहन है तो पूरी रस्में निभा रही हैं, और इनके बाद मैं भी आई जो भी रस्में होती वो करने के लिए। तो आज बहुत सारे पैसे लुटाए जा रहे हैं, न्यौछावर किए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूल्हा अपने यहाँ पे, मंदिर है इनके यहाँ संजना के यहाँ माता रानी का, तो वहाँ हर कोई हर काम में मस्त है, दर्शन करता है। मंदिर से दर्शन करने के बाद अब विशाल यहाँ से अपनी बारात लेके निकलेंगे। तो दूल्हा हमारा रेडी हो गया है, मंदिर का दर्शन हो गया है, और अब यहाँ से फाइनली दूल्हे राजा हमारे निकल रहे हैं मैरिज वेन्यू पर, जहाँ पे इनकी दुल्हन इनका वेट कर रही है। सो अभी हम लोग बारात के लिए निकल चुके हैं, मेरी पूरी फैमिली मेरे कार में, और बारात निकल चुकी है अपने वेन्यू के लिए दुल्हनिया को लाने, है ना परी, बाय बाय। तो यहाँ सभी सारे बाराती लेडीज हो या जेंट्स पूरा नाचते गाते धूम मचाते हुए दुल्हन को लेने चले दूल्हे के साथ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से रोड पे डांस करते हुए बारात में शामिल हुई हूँ, तो आप भी म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैरिज वेन्यू पर, और यहाँ पे सारे बारातियों का हो रहा है स्वागत, और साथ में दूल्हे राजा इतने खुश हैं कि उनकी खुशी यहीं से जाहिर हो रही है। विशाल पूरे सपने जितने भी हम लोग थे भाई बहन इनके सबके साथ एकदम खुशी से झूम रहे हैं वेन्यू के मेन गेट पर, एंट्री पर। अभी बाराती बाहर ही खड़े हैं और हम लोग विशाल का डांस इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये है मैरिज वेन्यू जहाँ पे होने वाली है शादी। सामने बना स्टेज जहाँ पे होगा जमाल, बगल में है डीजे, सारे गेस्ट बैठ चुके हैं, और बाहर हो रहा है द्वारचार की पूजा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो सभी लोगों ने सोचा, बाकी लोगों ने, चलो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे द्वारचार की पूजा हो रही है और दूल्हे राजा का स्वागत हो रहा है विशाल का। अब यहाँ से हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए लेके आई हूँ दूध, और यहाँ पे इसको पहले सोचा बेटे का मेरा पेट थोड़ा सा फुल हो जाए ताकि वो भी इंजॉय कर सके। तो दूल्हे राजा की खुशी देखने के बाद आप यहाँ देखिए दुल्हन की धमाकेदार एंट्री। तो
हमारी प्यारी सी दुल्हन प्रिया जो है वो आ गई अपने भाई के साथ, बुलेट पे बैठ के आई थी और यहाँ से भी कुछ एंट्री अच्छी थी चुन्नी वाली, बट मैं मिस कर गई। यहाँ पे होने जा रहा है अब जयमाल और वरमाला हो रहा है। दूल्हा दूल्हे एक दूसरे को, दुल्हन और दूल्हे के साइड वाले एक दूसरे को टीज कर रहे थे गोद में उठा के ऊपर, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई स्टेज पे कि कुछ भी नीचे से नहीं दिख रहा था। स्पेशली कैमरामैन दोनों साइड के और जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे इनके, इतना पूरा कवर कर रखा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने भी फिर गिव अप कर दिया, चलो सोचा कि चलो ठीक है अब जमाल नहीं देखने को मिलेगा। दूल्हा दुल्हन जब बैठ गए फाइनली स्टेज पे जमाल के बाद, देन मैंने शूट करना स्टार्ट किया। तो बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही थी, यहाँ जमाल हो चुका है दोनों का। यहाँ पे दुल्हन का हो गया है वेलकम और जयमाल भी हो गया, खाना पीना भी हो गया और इसके बाद कुछ चीजें मैंने मिस कर दी जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई, बिकॉज मेरे बेटे जब बच्चे साथ में हो ना तो उनकी सुस्त फोटी साफ करने में आधा फंक्शन निकल जाता है, तो इसके वजह से आधा कुछ चीजें मैंने मिस कर दी। बट कोई नहीं, मेन चीजें मैंने देखी, आपको मैं दिखाई, होप सो आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आया जितना भी मैंने देखा, जितना भी मैंने एंजॉय किया, बहुत सारा मैंने डांस किया। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से वेन्यू से जा रहे हैं वापस घर संजना के, क्योंकि पूरी शादी देखने का प्लान नहीं है क्योंकि मेरा बेटा है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो हम लोग घर जाएंगे और घर जाके देखते हैं। जो घर पे फंक्शन होता है ना, फोक फंक्शन, कल्चरल फंक्शंस, वो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे होता है या नहीं होता है, तो कैसे होता है, तो वहाँ भी बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर संजना के। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और दुल्हन आने वाली है, 6:30 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ अर्ली मॉर्निंग दुल्हन की विदाई हो गई है। तो मैं और परी बैठे हैं बाहर, सुबह सुबह की धूप का मजा ले रहे हैं और बस 5-10 मिनट में दुल्हन आ जाएगी, तो दुल्हन का होगा स्वागत और उसके बाद आज ही हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए वापस गोंडा। तो अभी दुल्हन के आने का वेट हो रहा है, जब दुल्हन आती तो फिर दिखाते हैं दुल्हन का यहाँ स्वागत कैसे होता है। तो दुल्हन आ गई है अपने ससुराल और अब यहाँ होने वाला है ग्रैंड वेलकम दुल्हन का दूल्हे के साथ। और यहाँ पे कुछ रस्में हो रही थी, वो होने के बाद संजना बैठ गई अंदर, मेरी देवरानी अपने भाई से नेक लेने के लिए बोल रही हैं, जब तक नेक नहीं मिलेगा कार से बाहर नहीं जाना, कार को लॉक करके अंदर से बैठ गई है। और विशाल बहुत सस्ते में छोड़ दी। अरे बच्चा है ना। अच्छा, तो ये कार लॉक वाला था क्या? तो नेक मिलने के बाद फाइनली संजना ने दुल्हन और दूल्हे को कार से उतार दिया और यहाँ पे अभी हो रही है दूल्हा और दुल्हन का स्वागत। इनके यहाँ कुछ रस्में होती हैं ऐसे, उसको बास्केट होता है ओड़िया जिसको बोलते हैं, तो उसमें पैर रख के अंदर आना होता है दूल्हा और दुल्हन को, दोनों को, तो वो रस्में हो रही हैं वहाँ पे। और मैं अंदर चली गई क्योंकि संजना की बड़ी दीदी ने कहा मेरे साथ आइए, और अंदर द्वार छिकाई में रहते हैं, बाकी सब लोग तो बाहर ही हैं, तो मैं उनके साथ खड़ी हो गई थी। और बहुत ही अच्छे से ग्रैंड वेलकम हुआ दुल्हन का और बहुत ही अच्छी जोड़ी भी लग रही थी। आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रही है दूल्हा दुल्हन की हमारी जोड़ी और कैसा लग रहा है पूरा ओवरऑल फंक्शन। तो अभी तो दूल्हा दुल्हन की वेलकम हो रही और आज ही हम लोगों को वापस भी जाना, तो बस दुल्हन की मुँह दिखाई करके हम लोग वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन आ गए हैं और विशाल के चेहरे पे गेट जैसे ही क्लोज देख के स्माइल आ गई कि हाँ वापस से नेक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हूँ अंदर और संजना की बड़ी दीदी हैं और साथ में कैमरामैन वाले गेट के बाहर खड़े हैं द्वार छका के कि हाँ अब नेक दीजिए हम लोगों को भी, देन बाकी सारा काम आगे बढ़ेगा। तो ये सारी मस्ती चल रही है यहाँ पे। तो फाइनली नेक मिलने के बाद दूल्हा दुल्हन के घर में हो गई है वेलकम और यहाँ पे मैं आपको वीडियो नहीं शूट कर पाई बट मैं फोटो दिखा देती हूँ जो हमने साथ में पिक्स ली थी विशाल एंड प्रिया के साथ। तो गाइज ये था मेरा पूरा मैरिज ब्लॉग विशाल एंड प्रिया का, बहुत ही हैपनिंग था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्रद्धा सिंह लॉ माय यूट्यूब चैनल, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।